कभी पेड़ कटने का किस्सा न होता अगर कुल्हाड़ी के पीछे लकड़ी का हिस्सा न होता। आप मेरी बात समझ रहे होंगे। मैं सूरज राम राजपूत DAV इंटर कॉलेज से आपके लिए लेकर उपस्थित हैं कक्षा 12 गणित। टॉपिक चल रहा था अवकलन। उस अवकलन में भी क्या डिफरेंशिएशन ऑफ कंपोजिट फंक्शन प्रश्नावली 4H। पार्ट नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 1। यदि बाई बराबर 8x³ 4x² प्लस 3x प्लस 11 है तो DQ/DXQ का मान ज्ञात कीजिए। आंसर y = 8x³ 4x² 3x प्लस 11 डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x ऑन बोथ साइड dy/dx, d/dx 8x³ 4x² प्लस 3x प्लस 11 कितना हो जाएगा। पावर आगे आ जाती है 24x² 8x प्लस 3 इसका कितना हो गया 0। तो dy/dx का मान मिला 24x² 8x प्लस 3। अगेन डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x ऑन बोथ साइड d2y/dx² d/dx 24x² 8x प्लस 3 48x प्लस 8 d2y/dx² इसका तो 0 ही हो जाएगा। अगेन डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू एक्स ऑन बोथ साइड dQy/dxQ = 48 इसका 0 हो जाएगा और यही बना उसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 2। यदि y = xq - 1/xq तो d2y/dx² क्वेश्चन वाचक चिन्ह। आंसर y = xq - 3 डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x ऑन बोथ साइड। आप देखेंगे कितने बार अवकलन करना है, 2 बार x के सापेक्ष। तो एक बार कर लीजिए, जो प्राप्त होगा उसका पुनः x के सापेक्ष अवकलन करना है। तो क्या होगा, dy/dx xq - xq / 3 3x² प्लस 3x - 4 ये आ गया dy/dx का मान। अगेन डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x ऑन बोथ साइड d2y/dx² d/dx
3x² 3x⁻⁴, 6x - 12x⁻⁵, 6x - 12/5, दैट इज योर आंसर d2y/dx². क्वेश्चन नंबर 3, यदि y बराबर ax³ bx² + cx + d, तो dqy/dx³ = ? आंसर y बराबर ax³ bx² cx + d, डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x ऑन बोथ साइड, dy/dx, ax³ bx² cx + d, कितना हो जाएगा 3ax² 2bx + c dy/dx। अगर इसे इक्वेशन नंबर 1 कर दें तो ये इक्वेशन नंबर 2। अगेन डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू एक्स ऑन बोथ साइड, d2y/dx² d/dx, 3ax² 2bx + c d2y/dx² 6ax + 2b, क्वेश्चन नंबर 3। अगेन डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू एक्स, dqy/dx³ d/dx, 6ax + 2b, कितना आएगा 6a, दैट इज योर आंसर। क्वेश्चन नंबर 4, यदि y बराबर tan x + sec x हो तो सिद्ध कीजिए d2y/dx² cos x / 1 - sin x² आंसर y = tan x + sec x, डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू एक्स ऑन बोथ साइड, dy/dx = d/dx, 10x + sec x, sec² x + sec x × 10x। dy/dx यहाँ से कितना आएगा sec x + 10x बन गया, ये तो मान
सिद्ध करना है, डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इन दोनों में sec x कॉमन, अंदर क्या बचा sec x प्लस टेन एक्स, ठीक sec x प्लस टेन एक्स। अब ये हो गए कैसे, डबल फंक्शन हो गए। जब डबल फंक्शन हो गए तो फिर अगेन डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x ऑन बोथ साइड, डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, फर्स्ट फलन जैसे का तैसा, डी अपॉन डी एक्स sec x प्लस टेन एक्स प्लस sec x प्लस टेन एक्स डी अपॉन डी एक्स sec x। कितना हो जाएगा इसका sec x, इसका जब अवकलन करेंगे तो क्या आएगा sec x इंटू टेन एक्स प्लस sec स्क्वायर x, यहाँ sec x प्लस टेन एक्स इंटू sec x इंटू टेन एक्स, डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर बराबर एक sec x और अंदर से कॉमन sec स्क्वायर x, अंदर क्या बचेगा sec x प्लस टेन एक्स, यहाँ इसका इसमें गुणा कर दिया sec स्क्वायर x इंटू टेन एक्स प्लस sec x इंटू टेन स्क्वायर x। इसे आपको हल करना है और ये प्राप्त करना है साइन कॉस में तोड़कर, है ना। देखते हैं, sec स्क्वायर x sec x प्लस टेन एक्स sec x tan x कॉमन sec x प्लस टेन एक्स sec x प्लस टेन एक्स दोनों में कॉमन sec x प्लस टेन एक्स दोनों में कॉमन, यहाँ से क्या बचा sec स्क्वायर x प्लस sec x इंटू टेन एक्स, इन दोनों से फिर से sec x कॉमन, अंदर पूरा कवर हो जाएगा कितना sec x प्लस टेन एक्स का होल स्क्वायर। अब इसे कर दिया क्या वन अपॉन cos x, यहाँ क्या होगा वन अपॉन cos x, यहाँ sin x बटे cos x होल स्क्वायर, वन अपॉन cos x cos x लगतम, ऊपर कितना वन प्लस साइन एक्स होल स्क्वायर। अब यहाँ से कवर कितना होगा वन प्लस साइन एक्स का होल स्क्वायर अपॉन एक cos x लिखा है और एक कितना आ जाएगा cos स्क्वायर x, cos स्क्वायर x। अब इस cos स्क्वायर x को तोड़िए, हालांकि एक सरल रूल भी मिल सकता था अगर कोशिश करते तो, वन अपॉन साइन cos बटे साइन, नहीं साइन बटे cos, वन बटे cos, हर का वर्ग हर से शुरुआत वहां से भी प्राप्त कर सकते थे, लेकिन जब आगे बढ़ ही गए हैं तब यहां से बनाना है, इतना बनना चाहिए, तो कितना आएगा d2y अपॉन dx स्क्वायर बराबर
हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, अगर हिम्मत हार गए तो फिर वहीं से प्रश्न ही गलत हो गया। कॉस एक्स लिखा ही है, ये क्या है, कॉस स्क्वायर एक्स है, इसे क्या लिख सकते हैं, वन माइनस साइन स्क्वायर एक्स। तो वन प्लस साइन एक्स का होल स्क्वायर अपॉन कॉस एक्स, वन माइनस साइन एक्स और वन प्लस साइन एक्स, एक प्लस से इसकी घात कैंसिल हो गई। ऊपर बचा वन प्लस साइन एक्स बटे में कॉस एक्स, वन माइनस साइन एक्स। वन माइनस साइन एक्स लिखा है, वन माइनस साइन एक्स, वन माइनस साइन एक्स से ऊपर नीचे गुणा, जब ऊपर नीचे गुणा होगा ऊपर बन जाएगा वर्गांतर, वन माइनस साइन स्क्वायर एक्स नीचे कॉस एक्स और वन माइनस साइन एक्स का होल स्क्वायर। ऊपर क्या रहा, कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन कॉस एक्स, वन माइनस साइन एक्स का होल स्क्वायर। तो ऊपर कितना आएगा, कॉस एक्स नीचे वन माइनस साइन एक्स का होल स्क्वायर, दैट इज आवर आंसर। ठीक है, तो मेहनत तो करनी पड़ेगी भाई, मेहनत का फल और समस्या का हल ये अवश्य ही मिलते हैं। आगे क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5। यदि बाई बराबर ए कॉस एक्स बी साइन एक्स, तो सिद्ध कीजिए कि पी फोर वाई अपॉन डी एक्स पावर 4 इक्वल टू वाई। आंसर, बाई बराबर ए कॉस एक्स बी साइन एक्स, डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू एक्स ऑन बोथ साइड, डी वाई अपॉन डी एक्स माइनस के ए साइन एक्स प्लस बी कॉस एक्स, नंबर 1, नंबर 2। अगेन डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू एक्स ऑन बोथ साइड, डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर माइनस के ए कॉस एक्स माइनस के बी साइन एक्स, डी क्यू वाई अपॉन डी एक्स क्यू प्लस ए साइन एक्स माइनस बी कॉस एक्स, डी फोर वाई अपॉन डी एक्स पावर 4 ए कॉस एक्स प्लस बी साइन एक्स, डी फोर वाई अपॉन डी एक्स पावर 4 इक्वल टू वाई, हैंस प्रूव्ड। इस तरीके से और भी प्रश्न लेकर आपके सामने उपस्थित होते रहेंगे, तब तक करो कुछ ऐसा दुनिया करना चाहे, आपके जैसा। जय हिंद।